वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस वन इक्वल्स टू जीरो है एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है अगर, तो हमें ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू फाइंड करना है एंड ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। सो हमें जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं जो कि है ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, अगर हम इसके ईच टर्म को a से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a, हमें मिलेगा ए स्क्वायर बाय a माइनस थ्री ए बाय a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे a कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो और a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3, इधर आ जाएगा तो प्लस 3 बन जाएगा। a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू हमें मिल गया है 3। अब हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर, सो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब कि टू ए इंटू वन बाई ए इज इक्वल टू होगा ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू हमें 3 मिला है, सो 3 स्क्वायर माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा इज इक्वल टू 9 माइनस 2 दैट इज 7, सो इसका आंसर 7। थैंक यू।